इसके सब्जेक्ट के बारे में बताएं कुछ, किस टाइप का सब्जेक्ट है? ड्रामा ज्यादा है इसमें, एक्शन इतना नहीं है, अंडरकरंट एक्शन है। आपके डायरेक्टर मिस्टर संजय गुप्ता के बारे में क्या कहेंगे एज अ डायरेक्टर? मेरे हिसाब से मैंने संजय की पहली पिक्चर की आतिश, ही इज अ गुड डायरेक्टर, इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, नयापन लाता है, एंड आई विल ऑलवेज वर्क। इन दिनों आपकी जितनी भी फिल्में फ्लोर पे जा रही है सारे एक्शन बेस्ड है, क्या साइंस जैसी इमोशनल पिक्चर आप नहीं करना चाहते? नहीं, किसने कहा इमोशन अपना एक्शन बेस्ड है सर? आई मीन लव स्टोरीज भी हैं, कॉमेडीज भी हैं। आपके प्रोड्यूसर मिस्टर विजय के बारे में क्या कहेंगे एज ए प्रोड्यूसर? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोग सब एक यूनिट है, भाई हैं, और यही कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक अच्छी पिक्चर बनाएं और हम इन ऑडियंस को खुश रखें। और थैंक यू मिस्टर। थैंक यू महंत, आपकी बहुत लंबे से जिंदगी में मैं कभी नर्वस नहीं हुआ, तो मेहनत का फल तो मिलता ही है भैया। इट्स एन एक्शन ओरिएंटेड फिल्म, तो अच्छा है। रिपब्लिक डे पे आपकी फैंस के लिए कोड चाहिए जी? रिपब्लिक डे के लिए कोड चाहिए, क्या कोड आप लिख दीजिए कुछ मेरी तरफ से। क्या थैंक यू सर। थैंक्स संजय साहब। आज हाँ, यहाँ पे किस फिल्म की शूटिंग हो रही है? हमारा तो मालूम नहीं कौन सी पिक्चर कवर करने आओ। हमें तो पता है, लेकिन आपके मुझसे अगर सुनेगा तो हमारे खौफ। खौफ, ये खौफ क्या है? खौफ यानी डर। आप डर से क्या जनता को दिखाना चाहते हैं, किसे डरा रहे हैं? जनता को डरा नहीं रहे हैं, जनता को एक अलग पहलू दिखा रहे हैं फिल्म मेकिंग का। एक आम बॉय मीट्स गर्ल, फॉल इन लव, सॉफ्ट लव स्टोरी, वो सब नहीं है। जिंदगी में और भी चीज़ें हैं जो कुछ ज़्यादा मायने रखती हैं, कुछ ज़्यादा अहम होती हैं, और बहुत से ऐसे सेंसिटिव और डेलिकेट टॉपिक्स हैं जिन्हें हम अक्सर हम इतने अनकंफर्टेबल होते हैं कि हम उन्हें छूना नहीं चाहते, हम लोग उससे दूर भागते हैं। दिस फिल्म इज़ एन एफर्ट टू ट्राई एंड टैकल दोज टॉपिक्स एंड मेक दी द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, हमारे देश के लोगों को वो एहसास दिलाना कि नहीं, ये भी अहमियत है, कानून की एक अहमियत है, कानून में अगर इन्वॉल्व होने की एक अहमियत है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप सड़क पर किसी का खून होते हुए देख लेते हैं, आप कोई मार धाड़ देख लेते हैं, तो नोबडी लाइक्स टू गेट इन्वॉल्व। क्यों? यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज़ योर ड्यूटी, इट इज़ योर मॉरल ड्यूटी टू बी देयर व्हेन द लॉ नीड्स यू, एंड दिस इज़ वन सच फिल्म्स डीलिंग विद दैट वेरी अनकम्फर्टेबल टॉपिक। हाँ, ये ज़रूर होगा कि हम में से बहुत से लोग जो कमज़ोर हैं उन्हें तकलीफ ज़रूर होगी ये पिक्चर देख के। इसमें संजय दत्त का कैरेक्टर क्या है? अब वो मैं बता दूंगा तो कहानी बोलनी पड़ेगी, क्योंकि कहानी संजय दत्त और मनीषा कोराला के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। लेकिन ये इतना ज़रूर कहूंगा कि संजय दत्त जो किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, उन्होंने उसके करीब भी कुछ इससे पहले नहीं किया है, उस किरदार के करीब भी। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और वो आज जिस खूबसूरती से और जिस अंदाज से उसको निभा रहे हैं, आई थिंक इज़ वेरी कमेंडेबल। इंडिपेंडेंस डे और ट्विस्टर इस तरह की मूवी में जिसमें इफेक्ट्स का बहुत सा इस्तेमाल रहा है और उनसे काफ़ी उन्होंने बिजनेस किया है, तो इंडियन सिनेरियो में आप ये देख लें कि इफेक्ट्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल होगा इस तरह मूवी बिजनेस में? इफेक्ट अभी तक तो सिर्फ गानों में डांसिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है इफेक्ट्स का, बट आई होप सो, कोशिश तो है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं आगे, मैं भी अपने कुछ स्क्रिप्ट में वी हैव मेड, बिकॉज नाउ दैट इट इज़ ऑल अवेलेबल, अब हमारे पास बहाने नहीं हैं। Quite frankly, filmmakers in India today don't have any more excuses. Okay, we don't have the equipment, we don't have the resources. We've got it all. Now it's up to us. We have to put our minds together and come up with. It's time to stop making excuses and take some action. For Republic Day, I guess to all the viewers all over India and everywhere else, we in Maharashtra are a very sad lot. In Mumbai, because our theaters are on strike, and I do hope that this Republic Day also gives an, you know, ends this strike for us and brings in peace and happiness to everybody concerned, the government and us.